छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। भाई तारा बाबा ने कहा है कि इस दफा ईद हमें अपने इस घर में करनी चाहिए। ठीक है मामा, ये घर भी अच्छा है, मगर हम अपने घर चले जाएंगे ना ईद के बाद? हाँ देखेंगे भानी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है मम्मी जी, ईद हम इस घर में मनाएं या उस घर में, ईद तो हमें ही मनानी है ना। बेगम ये नुजूम और सितारों के इल्म पर कब तक यकीन करती रहेंगी आप? आप शुक्र करें कि कम से कम मुझे किसी चीज पर यकीन तो है ना, आपको तो खुद पर यकीन नहीं है। अरे मम्मी जी छोड़े ना, आप ये बताएं कि इस मर्तबा कुर्बानी के जानवर का क्या? हाँ इस बार ना कोई बहुत अच्छे से जानवर लेकर आएंगे हम। पहले पुराने जानवरों को तो संभाल लें। क्या क्या कहा? मम्मी जी ससुर जी का कहना है कि पुराना जानवर तो पुराना ही होता है। हाँ जैसे पुराना चावल होता है, वैसे ही। बहरहाल इस दफा जानवर ना बहुत अच्छा लेकर आएंगे, क्यों लड्डू? मगर मम्मा वो जानवर तो बहुत महंगे होंगे ना इस बार। हाँ हनी महंगे तो बहुत होंगे, और जून जो ईद करीब आती जाती है ना, जानवर और महंगे होते जाते हैं। तो अब क्या करें? मैं बताता हूँ। भाई नहीं, बस तुम ना बताओ। भाई क्यों रहने दो लड्डू, अगर कोई अच्छा आइडिया है ना तो बताओ। हाँ मम्मी जी मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, और वो ये हम जानवर आज ही लेकर आएंगे। हाँ तो जाहिर सी बात है कल वैसे भी ईद है, हमें आज ही जानवर लाना पड़ेगा ना। अभी आई मैं भी ना मामा से पैसे लेके देती हूँ, तुम लोग चले जाना। हाँ तो आप पैसे दें और हम फौरन जाके जानवर ले आते। हाँ बिल्कुल, हाँ मामा जी पैसे देती हूँ। हाँ सुनो, एक खुशखबरी सुनो। क्या जानवर फ्री मिल रहे हैं? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भाई आ रहे हैं, अजीज भाई। कौन अजीज भाई? कौन अजीज भाई? वो मेरे मुंह बोले भाई हैं, कजन होते हैं मेरे। कह रहे थे कि कोई बहुत बड़ी राज की बात बतानी है उन्होंने हमें, हाँ इसलिए आ रहे हैं। अब वो पता नहीं कितना बड़ा राज सुनाएंगे हमें, और वो राज हमारे कितना काम आएगा ये तो उनके आने के बाद पता चलेगा भाई। हाँ ये बात तो। अच्छा मामा छोड़े ना, आप उनको पैसे दीजिए या अभी जाएंगे और जानवर लेकर आएंगे। दे अभी लाई, अभी लाई पैसे। अच्छा भाई आजा आजा भैया, अबे नहीं भैया आजा भैया आजा, ओ लड्डू आजा। कितने दिए पैसे? बकरा भी लेंगे ऐसा तगड़ा वाला, मंडी में खाना भी खाऊंगा मैं। हाँ सुन ओए भाई, अभी मोबाइल तो रख ले यार जेब में, यार हालात अच्छे नहीं है, कोई बकरा खरीदने से पहले हमें बकरा बना गया तो क्या होगा। ससुर जी आप डरते बहुत हैं, पैसे रखे अंदर। हाँ अरे बात सुन, जा रहे हैं यार मंडी हम लोग। अरे कुर्बानी का जानवर लाने अपना, और किस लिए जा रहे हैं? ऐसा शानदार बकरा लेकर आएंगे ना, मोहल्ले वाले देखेंगे दबंग शानदार, तू देखता जाइयो। अबे नीली नीली आंखों वाला लेकर आऊंगा, ये खूबसूरत प्यारा प्यारा लंबा लंबा रेशमी बाल होंगे उसके हाथ में। चलेगा यार, यार लड्डू तुम बड़े अच्छी बात यार, मुझे अकेला छोड़ के भाग गए यार, ये तो अच्छी बात नहीं है यार। भी भाग गया थी? अबे अगर मुझे भागना होता तो इस घर से मैं कब का भाग चुका होता। हाँ ये भी है, लेकिन ससुर जी जान बची सो लाखों पाए। अबे कहाँ जान बची, वो कुर्बानी के बकरे के पैसे ले गए डाकू सारे के सारे। अब बेगम जो है ना वो हमें कुर्बानी का बकरा बना देंगी, देख लेना तुम। मरवा दिया यार लड्डू जी ने, मरवा दिया। अरे ससुर जी मेरे पास एक आइडिया है। अबे तेरे आइडिया भैया मरवा देते यार हमें। नहीं भैया नहीं, हम नहीं करें। हेलो बिट्टू, बिट्टू मेरी मदद कर यार, हम लोग फंस गए बुरी तरीके से यार। हाँ तू आजा, मैं दरवाजे पे भारी थिरन तलार कर लूँ, उतर नहीं जाएंगे, मम्मी जी बहुत मारेंगी डंडे से, ससुर जी तो बेहोश हो रहे हैं। चलो चलो नहीं, मैं सब ले गए, अठन्नी भी नहीं छोड़ी। नहीं ये भाई लड्डू देख,
कैसा जबरदस्त बकरा है, आखिरी दाना बचा था जो सिर्फ तेरे लेके आया, और किराया है सिर्फ 5,000। 5,000? हाँ 5,000। 5,000? हाँ बाबा 5,000। कितनी दफा बताऊं यार, लिख के दूं क्या? 5,000 किराया है और सुबह से पहले मैं वापस लेने आ जाऊंगा। वैसे यार एक बात है लड्डू, ये बकरे को किराए पे देने का काम पूरा नहीं है ना। हमेशा दूसरों के कारोबार पे आंख रखी है आपने। अब मेरी बात आप दोनों कान खोल कर सुन लें, अगर बकरा ना मिला तो बकरे की असल कीमत है 50,000। तो कोई बात नहीं, हम 50 किस्तों में दे देंगे वापस में। ओ भाई ये बकरा है, कोई टीवी नहीं है पुराना जो किस्तों में खरीद रहे, समझे ना। अगर बकरा गुमा या इसको कुछ हुआ, अगर ये लंगड़ा लंगड़ा के चला, तो मैं पूरे 50,000 लूंगा, वो भी डबल नगद, समझ गए। ऐसा नहीं, ऐसा ना करे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको जमानत देता हूँ। कुछ खुदा का खौफ करो चचा, आप तो खुद जमानत पे घर से बाहर हो, आपकी जमानत कौन लेगा। ओ बिट्टू, मुझे अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है, इनको छोड़ना। माशाल्लाह यार तू मेरा दोस्त है, इसलिए तो तेरे पे भरोसा नहीं है। खैर मेरी शरायत याद रखना, इसको बादाम का हलवा खिलाते रहना, ठीक है, मैंगो शेक पिलाते रहना, ठीक है, और अगर जब इसको कड़क भूख लगे तो इसे अखरोट का चारा खिला देना, ठीक है। यार इसकी बातें सुन के तो ये दिल चाह रहा है कि मैं भी बकरा बन जाऊं, वो भी बिट्टू का। ये क्या बकरे हैं आप तो खुद से पहले से ही बकरे हैं अपनी बेगम के। क्यों अपने गले में रस्सी डलवाना चाहते? अरे बिट्टू थैंक यू सो वेरी वेरी मच माय फ्रेंड। तो बस सुबह कुर्बानी से पहले तेरा बकरा हम तुझे काटेंगे। अच्छा यार मैं चलता हूँ। हाँ एक बात याद रखना, इस बकरे को जब गर्मी लगती है ना तो बहुत शोर मचाता है, तो जब ये शोर मचाए तो फौरन इसको एसी वाले कमरे में मुंतकिल कर देना। और अगर एसी वाले कमरे में इजाजत ना मिली तो इसको बर्फ की सिल्ली पे बिठा देना। और अगर उसको बर्फ की सिल्ली भी ना मिली तो? अबे तो अंकल के कंधे पे बिठा के सफारी पार्क का चक्कर लगवा देना, शायद ठंडा हो जाए। ठीक हो गया। ओके शेक हैंड, बाय बाय, सी यू मैन। ओके ओ माय गॉड, ये लो ना, आज मिलाने का भी टाइम नहीं है यार। अरे बकरा भाई, ये पूछ रहा हूँ गुलफाम और लड्डू कहाँ हैं? अरे अजीज भाई, गुलफाम और लड्डू नहीं, गुलाम और लड्डू। आप लोगों की समझ में तो आ गया ना मैं किनको पूछ रहा हूँ, तो बस बताओ कहाँ है वो। अरे मामू, ये लोग बकरा मंडी गए सब लोग। जो तुमने अपने ही बकरे भेज दिए बकरे लेने के लिए? हाँ, अपने बकरों को अपने बकरे लेने भेजा है। अरे छोड़े ना अजीज भाई इन सब बातों को, आप ये बताइए कि कैसे आना हुआ? मुझे खजाने का नक्शा मिला है। क्या मामू, पता नहीं आप बिना कौन से दौर पे जी रहे हैं। लो इसमें दौर कहाँ से आ गया भाई। लीजिए आजकल ये सब कहाँ होता है? यही होता है, खजाने मौजूद है, सुराख लगाने की बात है सिर्फ। अरे नहीं नहीं मामू, पैसे नहीं चाहिए। तो पैसे कौन दे रहा है, मैं तो ये नक्शा दिखा रहा हूँ भाई, ये देखो। लगता तो सही है। तो मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? अब तो फिर हम शुरू करें ढूंढना। नहीं पहले बकरे आ जाए, इसके बाद शुरू करेंगे। असली है देखो, अबे कुछ समझ आया या किसी और तरीके से समझाऊं? समझ आ गई आशीष भाई, समझ में आ क्या समझ में आ गई? यही कि ये कागज बड़ा खस्ता हालत में और किसी भी वक्त फट सकता है। तो फटेगा तो बहुत जोर से आवाज आएगी भाई। मैं खजाने का नक्शा खोल के बैठा हूँ, तुम लोग कागजी कार्रवाइयाँ कर रहे हो यहाँ पर। लेकिन अजीज भाई नक्शा तो वाकई बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अबे तुम लोग अपने तबसरे बंद करो ताकि मैं अपना मॉर्निंग शो शुरू करूँ। मॉर्निंग शो? हाँ मॉर्निंग शो तो आजकल ऐसे चल रहा है जैसे टिंकी रक्षा चल रहा है। मामू का गुस्सा ना हो ना, आप ये बताए आगे क्या करना है। करना क्या है? अबे इसकी फोटो कॉपियाँ करवाओ और मस्जिद में बांट दो। अबे भाई इसमें देखो नक्शे में कि कहाँ है वो जगह। मगर ये पता कैसे चलेगा कि ये जगह है कहाँ? अबे तो इसलिए तुम लोगों के पास आया हूँ ना मैं। इसके लिए किसी माहिर स्टेट एजेंट से रابطہ कायम करना पड़ेगा, उन्हें पता होता है कि ऐसी सारी जगहें कहाँ पर हैं। अबे ये किसी अपार्टमेंट का या किसी बंगलो का नक्शा नहीं है, किसी दानिश्वर को ढूंढो, दानिश्वर को। चल भाई लड्डू लग जा काम पे। और एक बात याद रखो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि ये खजाने का नक्शा है। क्यों? इसलिए कि हर बंदा अपना हिस्सा मांगेगा और मैं किसी को देना नहीं चाहता अपना हिस्सा। अच्छा भाई हैं? अबे तुम लोग तो अपने घर के लोग हो ना, जितना मेरा हिस्सा होगा उतना तुम लोगों का होगा ही नहीं। ओ भाई क्या इतना ही हिस्सा है तुम लोग का भी? अब बनी ना बात। घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।
अरे वाह 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 वाह, कितना अच्छा बकरा है ना, मजा आ गया। अरे बहुत ढूंढने के बाद मिला ये बकरा। अब अच्छा मुझे ये बताइए, ये बोलता है? अरे बोलता है, ये गाता है। मरासी बकरा लड़का, मरासी। अरे आनी बेटा कैसी बातें कर रही हो, अरे बकरा बोलता कब है? मेरा मतलब था कि वो मैं तो करता है ना। अरे बकरा क्या, हर इंसान मैं करता है। मैं। अच्छा एक तस्वीर ले लूं इसकी? क्यों, क्या रिश्ता करवाना है इसका? अरे नहीं नहीं, अम्मी को भेजूंगी ना। तो मंगवाया क्यों था, भेज दो। अरे बकरा नहीं, तस्वीर। किसकी? अरे भाई बकरे की ना, और किसकी, क्या हो गया तुम सबको? लो भाई बकरा आ गया, अब इसको छोड़ दो, मेरे काम पे तवज्जो दो। मगर पहले इसको कुछ खिला तो दे, चारा वगैरह। यार भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। लड्डू एक काम कर यार, ये बकरे के लिए कुछ खाने पीने के लिए, मैं जब तक इनको चारा डालता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा मतलब ये कि मैं इनको खाना देता हूँ, तो उसके लिए चारा ले आ। इसके अलावा चारा था नहीं मेरे पास। जरा ये देख कर बताए तो, ये नक्शा कहाँ का है? ये नक्शा मोहनजोदड़ो का है। दिमाग से नहीं खराब हो गया आपका? क्यों, क्या हुआ? ये नक्शा कहाँ से मोहनजोदड़ो का हो सकता है? अगर आपको मालूम है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओ भाई बात सुन, तू अगले सिग्नल पे बैठ के भीख मांगता तो वही है ना। चल रहे जाके काम कर अपना। क्या बदतमीजी कर रहे हैं यार? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? मोहनजोदड़ो की जैसा तो मुंह है तेरा। चल इसका क्या करूं? इसमें खजाना कहाँ है? अरे ससुर जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे यार वही सौदा लेने जा रहा हूँ थोड़ा सा। जाए लड्डू, वो नक्शे का कुछ पता चला? हाँ एक पागल मिला था, बता रहा था मोहनजोदड़ो का नक्शा है। ओ, 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 लगता है वाकई पागल था वो। हाँ मगर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें खजाना कहाँ छुपा हुआ है? अबे हाँ यार, अब ऐसा कोई जानने वाला भी तो नहीं है यार। ससुर जी मेरे खानदान का तो आपको पता है, वहाँ तो कोई पढ़ा लिखा दूर दूर तक नहीं है। आपने भी कोई पढ़ा लिखा कभी दोस्ती बनाया मेरा ख्याल है? भाई ओ भाई, क्या है, क्या बात कर रहा हो यार? तो सही तो कह रहा हूँ, मैं गलत क्या कह रहा हूँ? हाँ लेकिन यार अगर एक भी पढ़ा लिखा मेरा दोस्त होता तो मैं यहाँ कभी ना फंसता। अबे जाहिल गुलाम, मैं आ गया हूँ ना, ये बताओ मालूमात क्या बनी तुम्हारी? नहीं मामू, अभी तक तो कुछ नहीं मालूम चला। लगता है तुम लोग से मदद मांगना ही बेकार है। नक्शा वापस करो मेरा। अजीत भाई कोशिश तो करना है ना? अबे कोशिश नहीं, लाजमी करना है, और मुझे लगता है कि तुम लोग की बस की बात नहीं है ये। मामू हमें ना कल तक का वक्त दे दे। अजीत भाई 24 घंटे। 24 घंटे? हाँ 24 घंटे दे रहा हूँ तुम्हें, समझ में आई ना? और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर काम ना हुआ तो ये नक्शा मैं बिगाड़ दूंगा। ये नक्शा क्या बिगाड़ेंगे, ये तो पहले से बिगड़ा हुआ है। अबे मजीद मजीद, लगता है खजाने का जो नक्शा है ना मोहनजोदड़ो का, आपके मुंह पे बन जाएगा। यार देख भाई लड्डू, इसके से भी बात नहीं कर यार, जा रहे हैं सौदा लेने। हां बस यार। लड्डू 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 कहां जा रहे हो? अरे मामू ने मुझे वो एक बहुत जरूरी काम बोला है, वो करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा तुमने चारा खिला दिया? चारा? मामू मामू चारा खाते? लड्डू मैं बकरे की बात कर रही हूं। नहीं उसे तो नहीं खिलाया मैंने चारा। हाँ तो क्या है लड्डू, जब से बकरा घर पे आया मैंने उसे कुछ भी नहीं खिलाया। अच्छा तो जब मैं वापस आ जाऊंगा ना मामू का ये जरूरी काम निपटाने के बाद, उसके बाद उसे चारा खिला देंगे, दोनों मिलके साथ में खिलाएंगे। जी नहीं, मुझे अभी खिलाना और अभी खिलाना और अभी खिलाना है बस। हनी वो बकरा है, इंसान नहीं है, इंसान बुरा मानता है, बकरा बुरा बिल्कुल नहीं मानता। मैंने कह दिया ना मुझे अभी खिलाना है, चलो। अच्छा चलो, पक्का भी खिलाना है? अच्छा चलो अच्छा। हनी तुम भी ना, इतने सारे काम करने मामू का। हाँ लड्डू ये काम भी बहुत जरूरी है, तुम बस चलो मुझे दिखाओ कैसे चारा खिलाते हैं। अच्छा हाँ ये देखो। हाँ ऐसे खिलाओगी ना तो खा लेगा आराम से। अच्छा ये पकड़ो। मतलब ये चारा कहाँ है? मैं लेकर आ रहा हूँ ना, ये रखो अपने पास। जल्दी जाओ, भूखा है। हाँ मेरा बच्चा भूखा है। अच्छा अभी आ रहा है, ये लो ये खिलाओ इसको। खिला दो सर। वाह भाई वाह, पूरा खा लिया। वाह लाओ नक्शा दे। नक्शा का है? वो तो इसने खा लिया। क्या बकरा खा गया नक्शा? ओए निकाल अब, निकाल अपने पेट में से उसको। चक्रा लड्डू ये रहा, थोड़ा सा बचा है।
बाकी खा लिया। बच्चे पता नहीं मामू मेरे साथ अब क्या करेंगे। अरे ये तुमने क्या कर दिया। अल्लाह करे खजाना इसी में हो। क्या नक्शे में खजाना मिल गया? खजाना मिलने से पहले नक्शे ही बकरा खा गया। अच्छा कैसे? किसने की ये हरकत? हनी ने। हनी तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? क्या मामा मैंने कुछ जान बुझ के थोड़ी की ये गलती? आप लोग मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। इंसान गलती से भी ऐसी गलती नहीं करता बच्चे। मामू जान अब क्या करना है? करना क्या है, छुरी लाओ, बकरा काटो, नक्शा निकालो। गुलाम लड्डू, अरे तुम लोगों से एक नक्शा नहीं संभाला गया। चलो निकल जाओ, फौरन निकल जाओ यहाँ से। हमारा इसमें क्या कसूर है बेगम? बस बस तुम लोगों की यही सजा है, अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। निकलो फौरन निकलो। ओ भाई मैं समझा हूँ। ना आगे आगे यार सुन जी, हद हो गई। अरे बताओ नक्शा खा गया बकरा? शर्म नहीं आई तुझे? घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद। हेलो बेगम, आप बोले बोले क्या डॉक्टर के पास हो? क्या कहा डॉक्टर ने? बकरे का गोश्त? अच्छा चलो फोन रखो, मैं कुछ करता हूँ। बकरे का गोश्त और वो भी इस महंगाई में। हेलो, अब बोलो 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 बच्चा, बोलो बच्चा। हैं? अबे तू वेट कर, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ अरे भाई जब तक बनने वाले मौजूद हैं, बनाने वाले तो बनाएंगे। भाई ड्राइवर जरा गाड़ी तेज चला। ये बकरा क्या तकरीर कर रहा है जो सारे से देख रहे? अरे तारा बाबा असल में ना बात ये है कि जो बकरा है ना ये नक्शा खा गया है और हम सब परेशान है। इसके लिए समझ में नहीं आ रहा कि नक्शा इसके पेट में से अब कैसे निकलेगा। आप ही कुछ बताएं। काटो इसको, काटो, इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। अरे तारा बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? जो आप सुन रही हैं। मगर तारा बाबा आपका तो नक्शा हजम भी हो गया होगा। अच्छी अच्छी बातें निकालो मुँह से, ता नहीं अच्छी अच्छी बातें। अरे मगर तुमको कैसे पता? आप लोग साइड बैठे, मैं अभी अपने इनसे पता करता हूँ कि नक्शा कहाँ है। भाई नक्शा जो है बिल्कुल महफूज है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि मैंने अपने इन से नक्शे को महफूज कर लिया। वेरी गुड, अब इसका निकालते हैं एक्सरे बकरे का। अरे मैं देखता हूँ। मिल गया, ये रहा। वेरी गुड, ये जगह से बकरे को काटो, नक्शा निकालो, बकरे को कुछ नहीं होगा। ये जगह काटो, नक्शा निकालो, बकरे को कुछ नहीं होगा। ठीक है तारा बाबा, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। लेकिन इसको काटेंगे कैसे? ऐसे। ये तो छत में से आ रही है। आ जा लड्डू। कहाँ मिला नक्शा? खाम में मेरा बकरा भी कटवा दिया। अरे भाई क्या हुआ, लोगों का भला ही हो गया ना। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, गोश्त बांट के आता हूँ जरा गरीबों में। वेल डन, वाह वेरी गुड। भाई मेरे लिए कलेजी रख लेना। ठीक है। अरे भाभी आप? हाँ मैं सानी, और आप यहाँ बैठे हुए? अगर आप कहें कि मैं वहाँ जाता हूँ। चुप करें, मैंने आपको बकरा लेने के लिए भेजा था और आप यहाँ बैठे हुए। अरे फिर कोई पागलपन का दौरा पड़ेगा आपको? क्या पागलपन? क्या इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते? मामी आज ना मामू वो कोई नक्शा लेके आए थे, कोई कागज का, वो खजाने का नक्शा। क्या खजाना? ये फिर यहाँ भी यही गुल खिला रहे हैं। अरे सुबह बच्चों की किताब से इन्होंने मोहनजोदड़ो का नक्शा पढ़ लिया है और खजाना खजाना चिल्लाते फिर रहे हैं। क्या मोहनजोदड़ो का नक्शा? अब बच्चों की किताब से? चले उठे घर चले। भाभी एक सेकंड, जरा हमें
इनका नक्शा तो बिगाड़ने दें, क्योंकि उन्होंने सुबह से हमारा नक्शा बिगाड़ा हुआ था। लड्डू लड्डू भाई बचाओ, बकरे का किराया और बकरा मुझे वापस कर दे लड्डू। 10,000 रुपए टोकन, ठीक है, शाम को आऊंगा, सारे पैसे दूंगा और अपने दोनों बकरे ले जाऊंगा। अपने अपने बकरे? हमारे पास इसकी 3 लाख की डील का टोकन मनी है। हाँ, कुछ तो रियायत करो, ये बकरा बहुत महंगा दे रहा है यार। जाए और जाकर अपने पैसों से बकरा खरीद के ला। तो पैसे हम लाएंगे कहाँ से? मेरा इल्म कहता है मंडी चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हम बकरे नहीं है, एक बकरा 2 लाख रुपए का है। 2 लाख? कहाँ है मेरा बकरा? ये रहा तुम्हारा बकरा। हाँ, ये रहा तुम्हारा बकरा और ये रहा तुम्हारा बकरा। जर्मन का बकरा कहाँ से आया? अबे जर्मन बकरा है तो जर्मनी से आया होगा ना। इस दफा मैंने सोचा है कि मैं ऊंट की कुर्बानी करूंगा। पहले सबने खा लिया, तू ही नहीं खा रहा है। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।